दोस्तों नमस्कार, एसवी इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे समरसेबल पैनल अगर ख़राब हो जाए तो मोटर को कैसे चलाएं, यही सब जानेंगे वीडियो में। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। दोस्तों अब ये देख रहे हैं हमारे सामने ये पैनल रखा हुआ है, ये पैनल है और इसको हटा के अलग कर देते हैं, यानी ये ख़राब हो गया है, काम नहीं कर रहा है, इसको हटा देते हैं। अब हम मोटर को कैसे चलाएंगे, तो एक कंडेंसर है, ये कंडेंसर आप देख रहे हैं, ये 36 MFD है, आपको दिख रहा है, ये देखिए 36 MFD का है, 36 और एक एच पी या 1.5 HP तक इसके ऊपर लगाया जाता है, 50 MFD का लगाया जाता है। इस तरीके से लगा सकते हैं आप, ये देख रहे हैं समरसेबल का तार है जो बाहर से आया हुआ है, अंदर से आया हुआ मोटर का, ये देख रहे हैं आप समरसेबल का तार है जो एक पीला और रेड और नीला होता है, ये तीन तार जो है समरसेबल पैनल के हैं। और ये हमारा जो है मेन, यानी मोटर चलाने के लिए जो काम मेन आता है, यानी खंबे से जो लाइन आई है डायरेक्ट, ये उसके तार हैं। इस तरीके से इसका कनेक्शन कैसे करते हैं ये जानना है, जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहें। दोस्तों देखिए, दोस्तों इस तरीके से ये मेन मेन ले लिया लाइन, दिखाई दे सब मेन लाइन ले लिया है, और इसमें एक ये कंडेंसर है, और ये कंडेंसर हमने बता ही दिया 36 MFD का, 1 HP से 1.5 HP तक मोटर चलाने के लिए 36 और 50 का यूज़ किया जाता है। आप क्या करते हैं, आप ये समरसेबल के तीन तार हैं, आप देख रहे हैं इसी कलर में होते हैं, और ये हमने कंडेंसर के एक तार को ले लिया और पीले वाले में बांध दिया, इस तरीके से बांध देते हैं। बांधने के बाद पीले से कंडेंसर एक तार बांध दिया और इसका काम ख़त्म हो जाता है, और यहीं पे इसको हम टेप लगा देंगे। ये कंडेंसर का एक तार ये, और एक रेड ले लेते हैं, इस तरीके से रेड ले लिया और ये आपस में जोड़ दिया। ये देखिए एक कंडेंसर का एक रेड, समरसेबल का एक रेड ले लिया, इस तरीके से जोड़ देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं मेन लाइन जो मतलब पैनल को चलाने के लिए लगी हुई थी, और एक तार रेड वाला रेड में जोड़ देंगे, इस तरीके से जोड़ देते हैं। ये देखिए इस तरीके से जोड़ देते हैं ढंग से, और इस पे भी एक टेप लगा देंगे, और ये एक समरसेबल का तार बच गया, ये देखिए एक समरसेबल तार बच गया, एक ये सर्किट का उसका मेन का बच गया जो आप खंभे से लाई हुई लाइन है, और इसको भी टेप लगा देंगे, इस तरीके से इसको भी टेप लगा देंगे। टेप लगाने के बाद दोस्तों अब इसको सॉकेट में लगाएंगे, इस तरीके से लाइन चालू कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप अपना मोटर चालू कर सकते हैं। धन्यवाद।